हिमाचल चुनावों में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने हिमाचल में पहली कैबिनेट में ही इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। बीजेपी भी लगातार ओपीएस पर संवेदनशीलता से विचार करने की बात कर रही है, तो प्रदेश में इसे बंद करने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र चौधरी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान यह कहा कि ओपीएस कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने इसे यहां खत्म किया है। जिस भाव से और जिस संवेदनशीलता से मोदी जी इस देश में अनेकों नए कदम भी उठा रहे हैं, नए निर्णय भी ले रहे हैं, क्रांतिकारी काम भी कर रहे हैं, उनको प्रदेश में उसी प्रकार से लाभ मिले, उसके लिए अनिवार्य है कि ये सरकार इसी प्रकार जारी रहे। एक इंजन केंद्र से चला, दूसरा यहां से जुड़े, और ऐसे अनेकों उदाहरण है। आपका आयुष्मान भारत अद्भुत योजना, लेकिन इसने भी गति 2017 के बाद पकड़ी। आज स्थिति यह है कि यदि आप आंकड़े देखें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है, उसमें से 1 लाख मरीजों ने इसका लाभ भी ले लिया, और उसके साथ साथ डबल इंजन ने हिम केयर योजना जोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 लाख और पंजीकरण हुए और 4 लाख मरीजों को लाभ पहुंचा। तो कोई भी योजना आप उठाएं जो जिस प्रकार से बाकी देश में लागू की गई, यहां भी की गई है। राजनीति से उठ करके किस तरह से समर्पण के साथ सरकार काम कर सकती है, मोदी जी ने एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया है, और कोई नहीं चाहेगा आम व्यक्ति कि हम उससे अपने आप को वंचित रखें। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबका ये दायित्व है, भले हम विचारधारा से कुछ भी हों, कि हम देश हित के लिए और अगले 25 वर्ष में यदि हमने ये कल्पना की है कि भारत को अनिवार्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस विकास यात्रा का हिस्सा बने, और किस तरह से पूरी अनुकूलता के साथ इस प्रदेश का योगदान है, और एक यहाँ कोई छोटा बड़ा पदाधिकारी नहीं रहता, जिम्मेवारी बदलती रहती है। और आपने देखा होगा कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायतों का हो, चाहे जिला परिषदों का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे एक प्रदेश में हो दूसरे प्रदेश, चाहे पूर्वोत्तर में हो दक्षिण में हो, प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे तक प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें भाग लेता है। ये एक सामूहिक प्रयास का प्रमाण है इस पार्टी का, यही इस पार्टी की शिनाख्त है, इसकी प्रतीक है। यहाँ एक परिवार की तरह कार्य किया जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सदा विचार को लेकर के होता है, एक संकल्प और समर्पण को लेकर होता है। ये जो बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अधिकतर जीवन सत्ता में गुजारा और परिवारवाद की राजनीति में गुजारा। अभी हमारा कार्यकर्ता जिंदा रहा, हमारा दल जीतता रहा, और न केवल दल जिंदा रहा बल्कि दल विकास करता रहा, क्योंकि ये संकल्प और सेवा को समर्पित पार्टी है, ना कि सत्ता को। सत्ता हमें लोगों ने दी कि हाँ, इन्होंने अपनी सेवा, अपने समर्पण का परिचय दिया है, लीजिए इनको मौका दिया जाए। बल्कि कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, 5 साल वो सत्ता के बाहर रहते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं कि कहाँ जाए, इस दल में जाए, उस दल में जाए, और हिसाब किताब गणित लगा रहे हैं, उस दल में जाए तो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इस दल में जाएंगे मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का